अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन शनवारी कढ़ाई बना रहे हैं जो कि बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। ये बहुत ही कम अज़ा से बनती है, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 1 किलो मटन डाल देंगे। इसको 6 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। छः से सात मिनट तक गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हसबे जायका नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 5 टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान से कट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब इनको कवर करेंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। 5 मिनट तक टमाटर को पका लिया है। अब इसका छिलका उतार देंगे। टमाटर का छिलका उतार दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। टमाटर को मैश कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे और 40 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पका लेंगे ताकि गोश्त गल जाए। 40 मिनट तक गोश्त को पका लिया है। चालीस मिनट तक गोश्त को पका लिया है, ये अच्छे से गल गया है। अब इसमें 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालकर मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को तेज़ करेंगे और पानी खुश्क कर लेंगे। गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इसमें गार्निश के लिए बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डालकर मिक्स कर लेंगे। मटन शनवारी कढ़ाई तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। मटन शनवारी कढ़ाई तैयार है, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी मटन शनवारी कढ़ाई कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।